धौलपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा आज राजस्थान के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट जारी की गई, जिसमें धौलपुर कांग्रेस कमेटी से धौलपुर शहर ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी को धौलपुर शहर का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर धौलपुर कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा उमर फारूक उस्मानी के निवास पर पहुंचकर उनका स्वागत किया एवं बधाई दी। नियुक्ति पर उमर फारूक उस्मानी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए अपने तन मन धन से कार्य करते रहेंगे और पार्टी की जिम्मेदारियों को पूर्ण तरीके से निभाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। इस अवसर पर धौलपुर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेसी शालिनी शर्मा, पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, कांग्रेस नेता रितेश शर्मा, हज कमेटी के जिला अध्यक्ष हाजी अजमेरी उस्मानी, पूर्व अध्यक्ष सुलेमान फारूकी, बफ बोर्ड अध्यक्ष गुड्डू कुरैसी, यूथ कांग्रेस प्रवक्ता आजाद मिर्जा, आसिफ उस्मानी, परवेज मिर्जा, भीष्मपाल सिंह राणा आदि लोगों ने मुबारकबाद दी। आज मुझे धौलपुर नगर अध्यक्ष की बनाने की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा जी और नवाब दुरुमिया साहब और धौलपुर की विधायिका श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी ये ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर की बनाने की दी गई है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस जिम्मेदारी को मैं बाखूबी ईमानदारी से निभाऊंगा, कांग्रेस के निष्ठा से कार्य करूंगा।